एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ठीक होना है या ठीक रहना है तो लोगों की नहीं सुनना, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखिए, काफी लोगों को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और वो इसलिए है कि लोग अपने बारे में क्या कहेंगे, ये अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, लोग मुझे मेरे ऊपर कुछ टीका करेंगे या कोई क्रिटिसाइज कर लेगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई बुरा तो नहीं लगेगा किसको, मतलब ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और एंग्शियस या डिप्रेस होते रहते हैं। देखिए, लोगों की यदि आप सुनेंगे तो आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा, लोगों की मत सुनो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसमें से आपको समझ में आएगा। एक बाप और बेटा, उनके पास में गधा था। सोचेंगे कि भाई गधे को अपन बाजार में बेच देंगे, शहर जाएंगे, दूसरे दिन सवेरे बाजार रहता है शहर का, वहां जाके बेच देंगे और पैसे लेके इकट्ठा करके आएंगे, अकाल पड़ा हुआ है, पैसे नहीं है। तो इसलिए वो दोनों अपना गधा, बहुत अच्छा धष्ट पुष्ट गधा था, बहुत बढ़िया गधा था, मगर वो लेके निकले शाम के समय, निकले कि भाई रात तक वहां या सवेरे तक वहां पहुंच जाएंगे गांव में, शहर में, और वहां सवेरे अपना सौदा करेंगे। जब वो निकले, दोनों गधा चल रहा था, उसके पीछे पीछे दोनों चल रहे थे, तो रास्ते में दो आदमी मिल गए। बोले, कैसे आदमी हो तुम? वो गधा चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, आप एक जन गधे के ऊपर तो बैठ सकते ना, गधे के ऊपर बैठो, क्या प्रॉब्लम है आपको, गधा तो वैसे ही ढोला लेंगे आपको, कैसे लोग हैं आप, इतनी भी अकल नहीं, तुमको लगता है बराबर कह रहा है। तो वो क्या करता है कि बाप अपना गधे पे बैठ जाता है और आगे चालू हो जाते हो चलना। थोड़े आगे जाने के बाद में फिर दो आदमी मिल जाते, बोलते कि क्या बाप है, अपना बेटा है, बेटा चल रहा है, बाप इतना आईदी कि गधे के ऊपर बैठा हुआ है, कैसा बाप है ये, अपने बच्चों को बिठा डालता। आपको लगा बराबर है भाई, बच्चों को बिठाना चाहिए, बेटे को बिठाना चाहिए अपने, तो बाप उतर जाता है, बेटे को बोलता तू गधे पे बैठ, फिर दोनों चालू। वहां जाने के बाद में फिर और दो लोग मिलते, बोले कैसा लड़का है ये, अपने बाप को पैदल चलाना चालू रखा है उसने, उसका बाप पैदल चल रहा है, उसकी उम्र हो गई है, अब ये लड़का जवान है, इसने पैदल चलना चाहिए, क्या लड़का है ये, ऐसे से होता है क्या, सोचता बराबर ये लोग बराबर बोल रहे हैं, तो वो भी उतर जाता है। अब करे क्या, फिर उनको लगता है कि अपन ऐसा करेंगे, अपन दोनों भी बैठ जाएंगे गधे के ऊपर ताकि सवाल ही नहीं आगे। फिर दोनों भी गधे के ऊपर बैठ जाते और यात्रा चालू। फिर आगे जाने के बाद में और दो लोग मिलते हैं, बोले देखो कैसे गधे, कितने क्रूर लोग हैं ये, एक गधा, दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठे हुए, वो गधा लपक जाएगा, मर जाएगा बेचारा, और कैसे लोग ये गधा बेचने जा रहे, मर गया तो इनको इतने भी कीमत नहीं मिलेगी, तो गधे के ऊपर दोनों दोनों ने बैठना चाहिए, मर जाएगा ना वो, झुक जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। अब उनको लगता है कि करे तो क्या करे, कैसा करे, वो दोनों उतर जाते हैं। फिर तो बोलते भाई ऐसा करेंगे कि चलो अभी गधे को ही अपन पकड़ते हैं और लेके चलते हैं। तो बाप गधे के दो आगे के पैर पकड़ता, लड़का पीछे दो पैर पकड़ता और दोनों गधे को उठाते हैं और यात्रा चालू कर देते हैं। आगे जाते हैं तो उनको आदमी मिलते, बोले कैसे गधे, गधा गधे को उठा रहे और गधे को उठा के लेकर जा रहे, गधा चल नहीं सकता, गधे को क्यों उठाना पड़ता, ऐसा गधे को उठाएंगे, वो गधा गधा है, वो उल्टा भी उसको टंगा रहे, उसमें कुछ उल्टी फुल्टी कर लिया, मर गया ऐसे, इसमें तो कल भी इतनी भी कीमत नहीं मिलेगी, कैसा कर रहे ये, गधे को उठा रहे, गधे लोग भाई, आपको समझता नहीं है कि गधे को उठाना पड़ता, वो चल नहीं सकता गधा, आप क्यों उठा रहे उसको, दोनों गधा तो चल सकता है ना। तो समझ में नहीं आया कि क्या करें, वो भिन्न हो जाते, दिमाग भिन्न हो जाता अपना, ऐसे ही है। ऐसे काफ़ी लोग हमारे जीवन में हैं, हमारे आजू बाजू में हैं, वो आपके ऊपर टीका करेंगे, टिप्पणी करेंगे, आपको कुछ क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको कुछ बोलेंगे, आपको जीना हराम कर देंगे, आपका जीने नहीं देंगे, कुछ भी करो आप तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो इसलिए लोगों का मत सुनो, है ना, लोगों की आप सुनेंगे तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लोगों की सलाह लो, बाद में आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और कभी भी ऐसा करना है कि कभी एक आदमी की सलाह लेके काम नहीं करना है। आपको लगता ही है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दो तीन लोगों को पूछो, अलग अलग लोगों को पूछो, ताकि अलग अलग राय मिलेंगी, फिर वहाँ से आपने सब उसका समराइज करके अपनी राय अपन तैयार कर सकते हैं। आपको एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, चिंता, ये जो इससे मुक्ति पाना है तो डेफिनेटली आपने लोगों की नहीं सुनना चाहिए, लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं देना चाहिए, लोगों ने कुछ बोला तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, दिमाग शांत रखो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।